हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल सुमन ढाका में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ मिर्च का अचार। तो मिर्च का अचार वैसे तो काफ़ी तरीके से बनता है, मैंने भी 2-3 रेसिपीज डाल रखी हैं मिर्च के अचार की। पर फ्रेंड्स, ये जो मिर्च का अचार है ये बहुत ही कम समय में और बहुत ही कम सामान के साथ बनता है। इसके लिए सिर्फ हमें 2 चीज़ की ज़रूरत होती है। ये हरी मिर्च ली है मैंने और ये लिया मैंने एक नींबू। फ्रेंड्स, ये मैंने लिया है हल्दी और ये नमक लिया है और ये मैंने इसको स्टोर करने के लिए एक बोतल ली है। फ्रेंड्स, ये वाला जो अचार होता है ये सिर्फ 6 से 7 दिन, 1 वीक के लिए ये अचार होता है। इसको हमें एक वीक यूज़ कर सकते हैं, उसके बाद में ज़्यादा दिन नहीं रख सकते क्योंकि इसमें हम ना ऑयल डालेंगे ना कोई मसाला डालेंगे। सिंपल, बहुत ही सिंपल अचार की रेसिपी है ये। तो फ्रेंड्स, आपको मैं बताती हूँ कि ये कैसे बनेगा। तो फ्रेंड्स, बनाने के लिए हमें जो मिर्ची ली थी उन मिर्ची को हम 2-2 पीसेस में कर देंगे। तो हम ऐसे करके इनके 2-2 पीस कर लेंगे, ऐसे करके सारी मिर्ची को मैं ऐसे करके 2-2 पीसेस में कर लूँगी। ध्यान से फ्रेंड्स, क्योंकि मिर्ची हाथ में लग के आँख में भी लग सकती है, तो थोड़ा सा ध्यान रखें, केयरफुली करें इसको। बस हमें ऐसे 2-2 पीसेस में कर देना है सारी मिर्चों को। फ्रेंड्स, मिर्च को मैंने, ये देखिए मैंने इसके डंठल तोड़ रखे हैं पहले से। मैं मिर्च को जब भी स्टोर करने के लिए रखती हूँ फ्रिज में तो हमेशा इसका डंठल निकाल देती हूँ। डंठल निकालने से हमारी मिर्चें जो हैं वो 10 से 15 दिन तक स्टोर हो जाती हैं और ख़राब भी नहीं होती हैं। तो ये देखिए, बहुत आसान सा तरीका है इसको अचार को बनाने का और बहुत ही आसान सा तरीका है मिर्चों को स्टोर करने का। तो ऐसे करके मैं सभी मिर्चों को 2-2 पीसेस में काट लेती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने मिर्च को कट कर लिया है सभी मिर्चों को। अभी हमें क्या करना है, और जो मैंने लेमन लिया था उसका जूस निकाल लिया है। अभी हमें इन मिर्चों का को इस ये जो मैंने बोतल ली थी इस बोतल में मैं भर देती हूँ इनको। फ्रेंड्स, हमें ये मार्केट में ये वाली ही मिर्चें चूज करनी है इस वाले अचार के लिए, न कि इससे थोड़ी जो मोटी आती हैं इन वाली मिर्चों का अचार अच्छा नहीं बनेगा क्योंकि ये इतनी तीखी नहीं होती हैं और ये तीखी होती हैं मिर्चें, तो ये जो अचार होता है ये तीखी मिर्चों का ही अच्छा लगता है। तो मैं आपको इन्हीं मिर्चों के लिए बोलूँगी, अगर आप ये अचार बना रहे हैं तो सिर्फ छोटी वाली मिर्चें यूज करें इसमें, बड़ी मिर्चें जो होती हैं वो कम तीखी होती हैं। तो ऐसे करके हम पूरी मिर्चों को इसके अंदर भर लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने सारी मिर्ची डाल दी है इसमें। अभी हम इसमें ये जो नमक लिया था वो नमक डाल देते हैं। नमक भी बस इतना सा नमक डालना है, मेरी चम्मच छोटी है मसाले वाली तो 1 चम्मच डाला है मैंने, और थोड़ी सी 1 पिंच में हल्दी डाल देती हूँ। बस मसाले हमें ये 2 डालने होते हैं। और अभी हम डाल देते हैं ऊपर से जो हमने नींबू लिया था वो 1 नींबू। फ्रेंड्स, मिर्च के हाथ हैं तो आप जो लेमन का जूस होता है या जूस निकाला हुआ जो लेमन का छिलका होता है उसको आप हाथ में ऐसे करके लगा सकते हैं ताकि जो आपके मिर्च का जो हाथ से जो झल्लाट है वो निकल जाएगा और ये आपके लगेगा नहीं। तो आप ऐसे करके इसको निकाल सकते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने ढक्कन लगा दिया बोतल के ऊपर और जो मैंने नींबू, इसमें नींबू का जूस और हल्दी और नमक डाला है उसको हम ऐसे करके अच्छे से मिक्स कर देंगे। आप इसमें सिरका भी डाल सकते हैं, सिरके से ये 1 वीक से मतलब 10 दिन तक चल जाएगा और नींबू से तो ये 1 वीक के लगभग ही चलेगा। मैं थोड़ा थोड़ा डालती हूँ और जस्ट यूज करके और थोड़ा और डाल लेती हूँ। तो ये देखिए, बस ये हमारा इंस्टेंट अचार है, इसको आप डाल के और आज डाल के कल खा सकते हैं। तो ये देखिए, हो गया है तैयार हमारा मिर्च का अचार। तो फ्रेंड्स, मेरे मिर्च की ये छोटे सी अचार की रेसिपी कैसी लगी आपको, आप लोग कमेंट करके मेरे को ज़रूर बताना। और मेरे चैनल पे अगर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना। और फ्रेंड्स, मेरे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। और धन्यवाद, मैं फिर मिलूँगी आपको एक ऐसी ही और रेसिपी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।